नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा टाइम जो होता है वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का होता है। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें भी एग्रीकल्चर आपका पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, आपके पहला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आपके हो गए थे कल तक। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मक्के की खेती की जाती है, मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती कब की जा सकती है, ये आप लोगों को आंसर बताना है। खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, या फिर वर्ष भर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 10 सेकंड का समय केवल आपके लिए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खरीफ के मौसम में, ये साइंटिफिक आंसर इसका ये सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। वैसे आप लोग वर्ष भर भी कर सकते हैं, क्योंकि मक्का आप लोग खरीफ में भी उगाते हैं, कहीं कहीं पे रबी में भी, और कहीं कहीं पे इसको ज़्यादातर जगह पे जायद में भी इसको इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ के मौसम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब सोयाबीन की खेती किस प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। क्वेश्चन आप लोग समझा करें सही से। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोग सही से समझ लेंगे तो आंसर भी आप लोग इसका सही ही देंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोयाबीन की खेती किस प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, या सोयाबीन के क्षेत्रफल में किसका प्रथम स्थान है, सोयाबीन के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसका प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा इसका पीडीएफ हम लोग किन लोगों को देते हैं, जो लोग हमारे साथ यहाँ पे लास्ट तक इसका आंसर देते हैं। ठीक है, और जो लोग वीडियो बाद में देख रहे होते हैं वो लोग, उन लोगों को पीडीएफ जब वो कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर दे देते हैं उसके बाद उनको भी इसका पीडीएफ मिल जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, उपज बृहत्तम उत्पादक। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, उपज बृहत्तम उत्पादक, मतलब उपज इनकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, और नारियल आपका केरल। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब आपसे उपज के बारे में पूछा गया है, सबसे अधिक उपज तंबाकू की कहाँ पे होती है, आंध्र प्रदेश में, तो इसका सही है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आलू का, उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। नारियल का कहाँ होता है, केरल में, ये भी सही है। लेकिन केला का कहाँ उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो तमिलनाडु में। ठीक है, केले का आप लोग लिख लेंगे, केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ये आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो केले का उत्पादन आपका महाराष्ट्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं होता है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर उत्पन्न होती है। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, कहाँ पे केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, कश्मीर में। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए था ना,
केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पे उत्पन्न होती है? या ये कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बता दें, जो जिसकी भाषा जितनी भी जितना लंबा क्वेश्चन होगा वो उतना ही सरल क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आपको आप लोग देख लिए तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं आपके जो पेपर होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो तीन तरह के पूछे जाते हैं, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट और मीडियम, मतलब मीडियम डिफ़िकल्ट और एक सिंपल। तो सभी तरह के क्वेश्चन हम भी अपने मॉडल पेपर में लाते हैं, जिससे कि आप लोग ये फील करें कि आप लोग अभी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपके कोई भी अननेसेसरी प्रेशर ना हो, ठीक है? तो क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे। कथन ए क्या कह रहा है? भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ठीक है? कथन ए क्या बोल रहा है? भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। दूसरा क्या है? भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन क्या दे दिया? ए और आर दोनों सही है, मतलब भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ये भी सही है, और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम होती है, ये भी सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जिसमें भी ये लिखा हो कि ए सही लेकिन आर गलत है, तो ए सही और आर गलत किसमें लिखा है? इसमें क्या लिखा है? ए और आर दोनों सही, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है? ए सही है परंतु आर गलत है, आप लोगों को क्या बताया था हमने? ए सही है परंतु आर गलत है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका जो है वो 2014 में यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है? आप लोग समझ सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी रख देते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़े टफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों के लिए भले के लिए यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे इसको सही से इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है? पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, आप लोग देख रहे होंगे ना, पिछले दशकों में, दशकों का मतलब 10 साल, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? मतलब इसमें जो आपके कृषि उत्पादन में भारत में वृद्धि हुई है उसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ये पूछा है। अब ऑप्शन आप लोग देखेंगे, जुलाई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, जुलाई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण। तीसरा क्या है? उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग। चौथा ऑप्शन क्या है? क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थायी देना। मतलब आप लोगों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पिछले दशकों में कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा है, इसका क्या कारण है? तो इसका केवल एक ही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का प्रयोग हुआ है, ठीक है? मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उन्नत कृषि विधियों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है? मतलब टेक्निक का प्रयोग करके बहुत सारी कंपनियां वगैरह बना ली, बहुत सारी हमने जो है यंत्र वगैरह बना लिए हैं, और यंत्र का प्रयोग करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आपका धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? गलत युग्म को पहचानिए, इनमें से गलत क्या है, इनमें से गलत क्या है? तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे, चाय असम में पैदा होती है, ठीक है? तो यहाँ पैदावार पूछी है, चाय असम में होती है, चाय का उत्पादन अधिकतम कहाँ पे होता है? असम में होता है, ठीक है? मतलब अधिकतम उत्पादन की दृष्टि से ये आपका दे रखा है, ठीक है? आप लोग नोट कर लें, नोट करना चाहें तो। मूंगफली इसका बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो नहीं होता है, ठीक है? 3 दिन से हम लोग मूंगफली के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट नंबर किसका है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट नंबर किस राज्य का है, ये हमने दोनों दिन आपसे डिस्कस किया है और आज तीसरा दिन है, तो
आप लोग बताएंगे मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहला नंबर किसका है, तो गुजरात का है। ठीक है, आप लोगों को याद करना चाहिए था, ये 3 दिन से एक ही चीज़ आपको बताई जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत युग्म को पहचानना था ना, तो गलत युग्म यही तो है मूंगफली, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, धान, मक्का, गेहूं या फिर गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, ऑप्शन क्या है, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या फिर नागपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं, कितने कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 127। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात वस्तु है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात वस्तु हैं, दालें, कॉफ़ी, चीनी या फिर खाद्य तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य तेल। ठीक है, आयात और निर्यात दो शब्द होते हैं, आयात क्या होता है, आयात को आप लोग समझ सकते हैं आना, ठीक है, और निर्यात को क्या समझ सकते हैं, जाना। ठीक है, निर्यात को क्या आप लोग समझ सकते हैं, जाना। ठीक, तो आयात आप लोग समझ लेंगे, आना मतलब विदेशों से इंडिया में जो व्यापार होता है या फिर विदेशों से जो चीज़ इंडिया में आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि इंडिया ने ये चीज़ आयात की है। ठीक है, मतलब खाद्य तेल विदेशों से इंडिया में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया ने खाद्य तेल का आयात किया है। ठीक है, अगर जैसे हम दालें इंडिया से बाहर भेजें तो क्या कहेंगे कि इंडिया ने दालों का निर्यात किया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन रबड़, गन्ना, गरम मसाले या फिर चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, गरम मसाले के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन देखो, चाय, एक इमली, सेब। सूची वन क्या है, फसल, और सूची दो क्या है, पैदा करने वाले राज्य। ठीक है, तो चाय आप लोगों को पता है कहाँ पे होती है, ए का क्या सही होगा, दो, मतलब असम में होती है। ठीक है, ए का दो हो जाएगा। ईक कहाँ पे होती है, ईक को हम लोग क्या कहते हैं, ईक को हम लोग कहते हैं आपका गन्ना, तो गन्ना किस में होता है, यूपी में होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, तीन। और सेब कहाँ पे, मूंगफली कहाँ पे होती है, तो मूंगफली आपकी होती है गुजरात में। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, चार। और एक आपका बच्चा सेब, सेब कहाँ पे होता है, तो हिमाचल प्रदेश में, मतलब ठंडे क्षेत्रों में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब 2 3 4 1 जहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो इसका आंसर सही हो जाएगा, 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, ये हमने आपको पिछले सप्ताह में जब रिवीज ये क्वेश्चन सीरीज चलाई थी तो उसमें हमने आपको ऐसा ही क्वेश्चन जो मानसून के ऊपर था उसमें हमने आपका पूरा मानसून के बारे में जितना भी आपको जानना चाहिए वो सब हमने बताया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देगा, ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको पहले ही हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग अब आंसर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर सही आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, खरीफ।
दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ। ये दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है अपने यहाँ? तो यहाँ पे जून में आता है, ठीक है। अपने यहाँ अभी आ गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आपका आ गया था बहुत पहले ही, मतलब आपका ये लगभग कितनी तारीख को आया था? तो 12 और 13 जून को ये आ गया था, ठीक है। 12 और 13 जून को ये यूपी के पूर्वी यूपी में आ गया था, ठीक है। और उसके बाद ये आपका धीरे धीरे इधर और बढ़ रहा है, मतलब पश्चिम की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू उत्पादन में सर्वाधिक किसका योगदान है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। केरल का प्रथम स्थान है या मुख्य उत्पादक काजू का कौन है? तो केरल है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? कपास, दालें, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, चाय, रबड़, तंबाकू और जूट, आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो आप लोगों को पता होगा मुख्य वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ठीक है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? रबड़, नील, कॉफ़ी या चाय? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को पता होता है कि इसका PDF कहाँ पे मिलता है और किन लोगों को मिलता है, जो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उन्हीं लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, सबसे पहले किस बागानी फसल की शुरुआत हुई? तो नील की हुई। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? मतलब तंबाकू की खेती में सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कहाँ पे तंबाकू खेती होती है? तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, ये हमने आपको कल भी बताया था, इसका कर्नाटक नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 68 नंबर क्वेश्चन का क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो प्रतापगढ़ ज़िले में, ठीक है। आप लोगों में से कोई है प्रतापगढ़ ज़िले का? अगर कोई प्रतापगढ़ ज़िले का है तो यहाँ पर बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो प्रतापगढ़ ज़िले में होता है, ठीक है। सुल्तानपुर के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ठीक है, सुल्तानपुर के, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत लोग सुल्तानपुर के जुड़े हुए हैं। आप लोग अगर इसमें से कोई सुल्तानपुर का होगा तो बता सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे इसको, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को अभी पीछे बताए थे कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूपी है, ठीक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूपी है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका भी यूपी है, ठीक है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू और गन्ना, ऑप्शन नंबर जिसमें भी 1 और 3 दिया होगा वो राइट आंसर होगा, 1 एवं 3, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी कर ले रहे हैं, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से
प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? महाराष्ट्र में के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्षेत्र में जलवायु में सामान्य परिवर्तन, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, या फिर देश में चीनी की बहुत मांग तथा ऊंची कीमत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी लोगों को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, अमरूद, संतरा या फिर आम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही है। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICAR में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, UP गेटेड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, ICAR में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों पर होती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, 73 का ऑप्शन नंबर डी सही था। डैश मतलब किस सन के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज के आपके यहाँ पे 27 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं, सेकंड लास्ट नहीं कह सकते आप लोग इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966-67 के बाद खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्योंकि तभी यहाँ पे 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? कौन सी नकदी फसल है यहाँ पे पूछा है? ठीक है, इनमें से कौन सी नकदी फसल है? तो धान नकदी फसल नहीं है, बाजरा भी नहीं है, मक्का भी नहीं है, तंबाकू आपकी नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा जो तरबूज खरबूज होते हैं, तरबूज खरबूज ककड़ी खीरा, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब आपके जायद में ही उगाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण क्रांति। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, और आपका अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर डेली कराई जाती है और डेली कराई जाती भी रहेगी जब तक कि आपका टेस्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी फ्रेंड हैं सब में आपको इसको शेयर करना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।